हमारी फिल्म की शुरुआत होने जा रही है मार्केट पार्ट टू, और एक फिल्म है डे नाइट और बायलिंगुअल है, वो बंगाली में दिवारात्रि है, जो आधी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। कुछ सीरीज के भी में भी काम चल रहे हैं। सो पाइपलाइन में काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी गरीब नवाज जैसे नवाजेंगे उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, इसमें नए चेहरे तो रहेंगे लेकिन पुराने चेहरे भी रहेंगे। इसमें हमने जो हमारी कास्टिंग लाइनअप हुई है वो है उर्वशी रौतेला, जरीन खान और चित्रगंगा सिंह, और एक लड़की है जो फाइनल होना बाकी है और बांग्लादेश से आ रही हैं मोहतरमा, और शर्मन जोशी, कुणाल खेमू, गोविंद नामदेव और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म के बाद। ये देखिए, ये मार्केट में आते आते तो ये मेरे ख्याल से 2022 अक्टूबर नवंबर लग जाएगा। हमारी शूटिंग जैसे बाबा की इच्छा हो यथाशीघ्र शुरुआत होगी मार्च अप्रैल से है ना। तो कई मुल्कों में शूटिंग है, दुबई में, बैंकॉक में, लखनऊ में, बॉम्बे में, पांडिचेरी में, तो काफ़ी जगह की स्टोरी है। बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है जो हमारे समाज सोसाइटी को एक आईना दिखाती है ये फिल्म। पहले वाली भी फिल्म ने हमने एक सच्ची घटना को लेकर बनाई थी, मनीषा कोइराला, सुमन रंगनाथन और श्वेता मेनन, काफ़ी लोगों को लेकर, तो फिल्म भी चली थी निर्मय कृपा से। पहली बार हम जब आए थे यहाँ पर, जब मैं यंगेस्ट डायरेक्टर बना था बॉलीवुड का, उस वक्त मैं डायरेक्ट कर रहा था ऋषि कपूर, रवीना टंडन, तब्बू, सुमित सहगल, प्राण साहब, प्रियंश चोपड़ा साहब, तो मैं सबसे पहले कैसेट लेकर गरीब नवाज के पास आया था। ये 93 की बात कर रहा हूँ, 94 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हम आए थे। और मन में जब भी जयपुर में आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बाबा अपने दरबार में मुझे ज़रूर बुलाए, है ना। और मैं तहे दिल से मैं अब तक 20 फिल्में बना चुका हूँ, बड़े स्टारों के साथ भी बनाया हूँ और न्यू कमर को भी काफ़ी ब्रेक दिया हूँ। न्यू कमर में म्यूजिक डायरेक्टर को भी ब्रेक दिया, अंकित तिवारी का नाम आपने सुना ही होगा, ये संदीप नाथ जी उनको लेकर आए थे, आज उमदा म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हैं वो, और उनको भी ब्रेक दिया था। विकी कौशल के फादर श्याम कौशल हमारे साथ 7-8 फिल्में की एज एन एक्टर डायरेक्टर, उनको भी ब्रेक दिया। बक्की हमारे साथ बहुत बच्चा था, हमारी बच्ची के साथ भी खेलता था, और सलमान साहब के साथ हमारी पुरानी दोस्ती थी, अजय देवगन के साथ भी पुरानी दोस्ती, सनम बेवफा हमने साथ में काम किया था और